हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी पढ़ना सीखेंगे बिल्कुल शुरुआत से। तो सबसे पहले हम चोटिया की मात्रा पढ़ेंगे। तो चोटिया की मात्रा होती क्या है? तो जो कोई शब्द लिखते हैं उस पर हम लाइन खींचते हैं, वो हमारी चोटिया की मात्रा होती है। जैसे एक है लाए, यह अभी अधूरा है, लेकिन इस पर लाइन खींचेंगे तब ला बनेगा पूरा। चोटिया की मात्रा को बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं, जैसे स द ना। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे एक अलग है फ, एक अलग है ल, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे फल। एक अलग है र, एक अलग है थ, तो इसको कैसे पढ़ेंगे आराम से बिल्कुल र थ। इसी प्रकार इसको क्या पढ़ेंगे ऊठ। एक है त, एक है न, तो इसको कैसे पढ़ेंगे त न। एक है छ, एक है ल, तो इसको आराम से पढ़ेंगे चल। एक क्या है म, एक क्या है त, तो इसको कैसे पढ़ेंगे मत। इसको अ स र कमल टमटम बिल्कुल आराम से। एक है च, एक है म, एक है क, तो इसको बिल्कुल कैसे पढ़ेंगे आराम से चमक। एक है भ, एक है ज, एक है न, तो इसको कैसे पढ़ेंगे भजन। इसी प्रकार इसको नहर बरतन। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़िया की मात्रा पढ़ेंगे। तुम्हारी बढ़िया की मात्रा ऐसी होती है, किसी भी शब्द में जो डंडा लगाते हैं वो बढ़िया की मात्रा होती है। बढ़िया की मात्रा को हमेशा मुंह पार के पढ़ते हैं। जैसे सप लगी तो सा, दप लगी तो दा, कप लगी तो का। इसी प्रकार र, र पर बढ़िया की मात्रा लगी तो मुँह पार पढ़ेंगे रा, जप लगी तो जा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे राजा। बप लगी तो बा, जप लगी तो जा, तो बाजा। मप लगी तो मा, लप लगी तो ला, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे मा ला। तप लगी तो ता, रप लगी तो रा, तो इसको क्या पढ़ेंगे तारा। तो इसमें देखेंगे रप लगी तो रा, मप नहीं लगी तो म को आराम से पढ़ेंगे रा म। दप लगी तो धा, मो पार के नप नहीं लगी तो न को आराम से पढ़ेंगे दा न। सप लगी तो सा, नप नहीं लगी तो न को आराम से पढ़ेंगे सा न। इसको क्या पढ़ेंगे ला ल। बप लगी तो बा, जप लगी तो जा र, बाजार। इसी प्रकार इसको ब ना कर, इस पर बढ़िया की मात्रा लगी तो मुँह पार के पढ़ें चा चा, का दा दा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चोटी की मात्रा पढ़ेंगे। तुम्हारी चोटी की मात्रा इस प्रकार से होती है। तो दोस्तों, चोटी की मात्रा को हम जीभ को दांत के नीचे दबा के पढ़ते हैं और पढ़ते समय थोड़ा झटका सा देते हैं। जैसे कप लगी तो के, सप लगी तो से, रप लगी तो रे। इसी प्रकार दप लगी तो दे न, तप लगी तो ते और तप लगी तो थे, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम ते थे। पप लगी तो पे, तप बढ़िया की मात्रा तुम पार के पढ़ें पिता। हप लगी तो ही साब, दप लगी तो दि, सप बढ़िया की मात्रा तुम पार के पढ़ें दिसा। इसी प्रकार कप लगी तो कि ताब, हि र न गि लास। तो अब हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। तो बड़ी की मात्रा इस प्रकार लगती है। तो बड़ी की मात्रा पढ़ते समय हमारा मुंह नहीं खुलना चाहिए और आवाज़ को लंबी खींचते हैं। सप लगे तो सी, नप लगे तो नी, गप लगे तो गी। इसी प्रकार तप लगे तो ती र, मा ली, क री। इसको क्या पढ़े नप लगे तो बढ़िया की मात्रा है तो ना, रप लगे तो री, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम ना री। कप लगे तो की रा, हप लगे तो ही रा, रप लगे तो री ता, सप लगे तो सी ता, गप लगे तो गी ता। अब हम चोटियों की मात्रा पढ़ेंगे। तो चोटियों की मात्रा पढ़ते समय थोड़ा झटका सा जैसे देते हैं। जैसे सप लगे तो सु, रप लगे तो रो, नप लगे तो नु। इसी प्रकार सा, दप लगे तो दो, सा दु, दप लगे तो दु नी, दूनी। तप लगे तो तु म, च तप लगे तो चतु र। इसी तरह पप लगे तो पु तला, दप लगे तो दु कान,
म दु र। पहले तो गुलाब। अब हम बड़े यू की मात्रा पढ़ेंगे, तो बड़े यू की मात्रा पढ़ते समय हम लंबी खींचते हैं, जैसे न पल लगे तो नू, ग पल लगे तो गू, स पल लगे तो सू, ल पल लगे तो लू। इसी और न पे बड़ी की मात्रा है तो उसको पढ़े क्या पढ़े नी, ब पल लगे तो बू, रा जू, द पल लगे तो उसको क्या पढ़े दू, प पल लगे तो पू छना, इसको क्या पढ़े पू र ब, बाप लगे तो बू ल ना, खजू र सू र ज। तो दोस्तों अब हम एक ही मात्रा पढ़ेंगे, तो एक ही मात्रा हमारी क्या होती है, हमें एक ही ध्वनि देती है, जैसे क पल लगे तो के, स पल लगे तो से, न पल लगे तो ने, तो इसी प्रकार क पल लगे तो के, ल पल लगे तो ले के ले, स पल लगे तो से र, ख पल लगे तो खे ल, द पल लगे तो दे व ता, ब पल लगे तो बे सन, मु के स, शु रे स, ग रे स, से ब। तो दोस्तों अब हम ऐ की मात्रा पढ़ेंगे, तो ऐ की मात्रा हमें ई की ध्वनि देती है, जैसे स पल लगे तो से निक, प पल लगे तो पे सा, स पल लगे अंग की तो से तान, प पल लगे तो पैदल। उसी तरह ब पल लगे तो बैल, म पल लगे तो मै ना, क पल लगे तो कैलाश। तो अब हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे, तो ओ की मात्रा हमें ओ की ध्वनि देती है, ओ, जब स पल लगे तो सो, ग पल लगे तो गो, फ पल लगे तो फो। उसी पर ड पल लगे तो डो ल, म पल लगे तो मो र, त पल लगे तो ता, क पल लगे तो को य ल, म पल लगे तो मो ट र, ज पल लगी तो जो कर। लपो की मात्रा है तो इसको क्या लो म री, बो त ल, शोह न। तो अब हम औ की मात्रा पढ़ेंगे, तो औ की मात्रा इस प्रकार लगती है, तो औ की मात्रा हमें औ की ध्वनि, जैसे क पल लगे तो कऊ, स पल लगे तो सऊ, न पल लगे तो नऊ। इसी प्रकार म पल लगे तो मो सी, च पल लगे चौ की, न पल लगे तो नौ का, ग पल लगे तो गौ री, ओ रत, न पल लगे तो नौ कर, ओ जा र। अब दोस्तों हम अंक की मात्रा पढ़ेंगे, तो अंक की मात्रा को हमेशा नाक के बल पढ़ते हैं, जैसे ह पल तो हंस, ग पल तो घंटा, प तप अंक की मात्रा तो अंक के बल नाक के बल पढ़ेंगे, तो प तंग, झंडा, संकर, रंग, त रंग, और स पल तो संग। अब हम ग की मात्रा पढ़ेंगे, तो ग की मात्रा इस प्रकार लगती है, तो ग की हमें मात्रा यह की ध्वनि देती है, जैसे प पल तो पह, ऐसे प्रा एह, इसको क्या पढ़े ब्रा, त पल तो तह ब्रात, पू न पल तो पू न, अ त पल तो ग की मात्रा, तो इसको क्या पढ़े अ तह, इसे न म ग की मात्रा है तो इसको क्या पढ़े न मह, इसको आह, इसी प्रकार इसको प्राप्त। सब छोटी की मात्रा लगी है तो सु कप है ग की मात्रा, तो इसको क्या सु कह। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।